कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक प्रेमी जोड़े ने खुद की जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। लड़का लड़की दोनों बालिग हैं। उन्होंने लड़की के परिजनों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर 2 मार्च को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी करने के बाद जब युवक अपनी पत्नी को लेकर हजीरा स्थित अपने घर पहुंचा तो वहां लड़की के परिजन उसे धमकाने पहुंच गए। उन्होंने लड़का लड़की को जान से मारने की धमकी दी। लड़के का कहना है कि वह दलित समाज से है और लड़की राजपूत क्षत्रिय है, इसलिए लड़की के परिजन उनकी शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनके प्रेम के बीच में जाति बंधन आड़े आ रहा है, लेकिन वह एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। उनका रिश्ता पिछले 6 साल से चल रहा था। उन्होंने अपने रिश्ते को कानूनी रूप से लीगल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 मार्च को कोर्ट मैरिज कर ली थी। उन्होंने आर्य समाज मंदिर में जाकर 7 फेरे लिए थे, लेकिन लड़की के परिवार वाले उनके जान के दुश्मन बन गए हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि लड़की के परिवार वाले लड़के के घर पर पहुंचकर दबंगाई दिखा रहे थे। उन्होंने घर पर ताला लगाकर लड़के के परिवार वालों को घर से बेघर कर दिया। लड़का लड़की इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाने में हजीरा में की, लेकिन लड़की के परिजनों के दबाव के चलते पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आज मजबूरन छुपते छुपाते लड़का लड़की पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, यहां जनसुनवाई में अपनी जान की सुरक्षा की मांग की। पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने कहा है कि लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लड़की के परिजनों को बुलाकर समझाई दी जाएगी। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी, मेरे घर वाले मुझे है ना जोर जबरदस्ती करके अलग करना चाहते हैं और मारपीट की धमकी देते हैं और जान से मारने की धमकी दी, सुपारी दे रहे हैं, जगह जगह पे वो कर रहे हैं कि लड़की लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, मार जान से मार देंगे। और मुझे सुरक्षा चाहिए और मेरे ससुराल पक्ष पे और मुझे सुरक्षा चाहिए और ताला डाल रखा है, हम लोग कब्जा कर लिया है। अच्छा, ये आपने कहाँ शादी की? गाजियाबाद। तो कहाँ, किस जगह शादी की थी? आर समाज में भी की है, कोर्ट से भी की है। कोर्ट से भी की है। थाने में आप गए थे, थाने से किस तरह की परेशानी हुई? क्या थाने में कोई सुनवाई नहीं की जाती है और वहाँ पे है ना तमाम बातें की जाती हैं पर सुनवाई कोई नहीं की जाती है। आज एसपी साहब ने क्या कहा, आपने क्या बताया? एसपी सर ने बोला है कि हम सुरक्षा देंगे, वहाँ पे जाओ, वहीं पे सुनवाई होगी। अच्छा, लड़का किस कास्ट से और आप किस कास्ट से? मैं तोमर हूँ, वो वर्मा है। तो ये क्या हरिजन है लड़का जी? तो इसीलिए परेशानी है? हाँ, बस इसीलिए आ रही है। क्या नाम बताया आपने अपना? रजनी तोमर। आपके पति का क्या नाम है? जयप्रकाश वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? नहीं, तो परेशानी क्या जाति को लेकर है? हाँ हाँ। क्या क्या कहते हैं घर वाले? कहते हैं कि अलग कास्ट का है, मार देंगे, ये कर देंगे, शादी नहीं करना, ये वो। पहले तैयार थे, अब प्रॉब्लम कर रहे हैं कुछ, करीबन 5-6 महीने से। आप दोनों बालिग? बालिग हैं। ठीक है, कब शादी करेगी? शादी की थी हमने 2 मार्च को। 2 मार्च युवती आए थे, उन्होंने गुहार लगाई है, जान की सुरक्षा की और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है। चूँकि लड़का एससी से है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है, कास्ट को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं परिवार वाले। ये एक युवक युवती अभी यहाँ कार्यालय में आए थे और युवती द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उसने, वो बालिग है और अपनी मर्जी से उसने एक युवक से विवाह किया है और युवती का कहना है कि उसके परिजन, युवती के परिजन जो हैं उससे उसको खतरा है और ये थाना हजीरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मेरे द्वारा TI नगर निरीक्षक हजीरा को निर्देशित किया गया है कि चूंकि बालिग हैं और इन्होंने विवाह कर लिया है, अतः इनके परिवारों को बुला के समझाइश दे दें और साथ ही ये भी देख लें कि इसकी सुरक्षा को किसी तरह से कोई खतरा ना हो। फिलहाल युवक और युवती को थाना हजीरा भेजा जा रहा है और वहीं इनके पेरेंट्स आएंगे और मुझे उम्मीद है कि